आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जबरदस्त लेकिन बहुत सिंपल और इजी आसनों का अभ्यास सिखाऊंगी। इसमें आपके नेक और बैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको सर्वाइकल का पेन हो, लंबर रीजन में पेन हो, थोरेसिक रीजन में पेन हो, लोअर बैक में पेन हो, साइटी का पेन हो, आपकी लाइक डिस्क में प्रॉब्लम हो, ठीक है, स्लिप डिस्क की समस्या हो, हेरिनेटेड डिस्क हो, इन सारी समस्याओं में आज के जो आसन स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पोस्चर्स हर एक इंसान नहीं कर सकता, लेकिन आज की वीडियो में मैं ये सारे आसनों का अभ्यास ऐसे सीक्वेंस डिज़ाइन किया है कि आराम से अपनी योगा मैट पर लेटे हुए ही इन आसनों का अभ्यास बड़े आराम से आप कर लेंगे और इन सारे के सारे जो समस्याएं मैंने बताई हैं इन सारी समस्याओं से छुटकारा भी आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है ताकि आप सारी की सारी बारीकियाँ समझें कि आसन को कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी की सारी चीज़ें। अगर आप वीडियो में नए आए हैं तो आप सभी का स्वागत है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो इन अभ्यासों को करने के लिए हमें सिर्फ चाहिए होगी एक योगा मैट और इस योगा मैट पर बहुत आराम से हम ऐसे लेट जाएंगे ताकि कोई भी इंसान हो, किसी भी तरीके की उनकी बॉडी की कंडीशन हो, आराम से अभ्यास कर ले। अब उसके बाद आप लेटने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले आसन का जो हम अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन का अभ्यास करने के लिए आपको करना क्या है कि आपके पैर की एड़ी यानी हील्स और अंगूठा यानी टो जुड़े हुए हों, घुटने को भी एक दूसरे के करीब रखें और दोनों पाम्स को ऐसे चेस्ट के साइड में रख दें इस तरीके से, ऐसा, और अपने फोरहेड को, माथे को मैट पर रखें ऐसे। और फिर उसके बाद सांस लेते हुए धीरे 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 अपना हेड उठाएं, चेस्ट उठाएं और नेवल रीजन पूरी की पूरी ना उठे, हल्की स्लाइटली मैट पर रहें, एल्बो जो है बॉडी की तरफ हो, ऐसे बाहर ना हो इस तरीके से, और गर्दन को खोलें और छत की तरफ देखें, कान कंधे से दूर हो, ऐसे ना हो इस तरीके से, और फिर सांस छोड़ दें। दो बार और इसका अभ्यास देखें, सांस लें, सांस रोकें, 1 2 3 4 5 सांस छोड़ दें, फिर से सांस लें, रोकें, 1 2 3 4 एंड 5 सांस को छोड़ दें। दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा कंडक्ट की जाने वाली लाइव ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को हम जूम के माध्यम से कंडक्ट करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्लासेस कौन ज्वाइन कर सकता है, कोई भी, आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं या कि आपको कोई हेल्थ कंडीशन है जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, रात में नींद ना आना, पीसीओडी की समस्या, इरेगुलर पीरियड्स हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, मानसिक तनाव है, कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीजेस में योग का अभ्यास करना बहुत लाभदायक है। और आपको एक बात बताऊं, मेरे जो क्लास में एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ये क्लासेस ज्वाइन करने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं। बहुतों की तो दवाइयां गोलियां जो बहुत डिपेंडेंट होते थे वो भी बहुत हद तक कम हो गई है। अगर आप किसी कारण से लाइव क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप सभी मेरे द्वारा रिकॉर्डेड सेशंस कुछ डेवलप किए गए हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए। इन रिकॉर्डेड सेशन में 1 घंटे की वीडियो आपके सामने चलेगी और ये वीडियो आपको एक्सक्लूसिव मेरे वेबसाइट पर मिलेगी, यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इनमें हम ध्यान करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, 1 घंटे की ड्यूरेशन में। आपको करना सिर्फ इतना है कि वीडियोस को प्ले करना है और सामने बैठ के अपनी योगा मैट पर आप अभ्यास शुरू कर दें। लाइव क्लासेस में मैं आपको देख सकती हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन में सिर्फ आप मुझे देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस को। अब आप इन क्लासेस के बारे में और जानकारी अगर चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है जो कि है www.yogawithshahida.com या कि फिर यहाँ पर मैंने ये नंबर शेयर किया है जो कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन में है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको सारी की सारी जानकारी तत्काल भेज दी जाएगी। लेकिन अभी पहले ये वीडियो पूरी देख लीजिए और उसके बाद चेकआउट कीजिएगा। अब हम अनसपोर्टेड भुजंगासन का अभ्यास देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब अनसपोर्टेड भुजंगासन के लिए
ऐसा, दोनों पाम्स को एग्जैक्टली चेस्ट के साइड पे रखिएगा, ऐसे आगे मत रखिएगा, ऐसे चेस्ट के साइड में रखिए और फिर उसके बाद धीरे धीरे हेड अप, चेस्ट अप, और इस तरीके से जब बॉडी का वेट ऐसा उठा लें तो ऐसे हाथ को हवा पे रखें, ऐसा होल्ड करें, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ दें, सांस लें, होल्ड योर ब्रेथ, 1 2 3 4 5, एक्सहेल, वन मोर टाइम, इनहेल, 1 2 3 4 एंड 5, ऐसा। तो 3 टाइम अभ्यास करना है, सांसों को रोक सकते हैं तो रोके वरना नॉर्मल ब्रीदिंग करके अभ्यास करें। अगर ये दोनों प्रैक्टिसेस आपको बहुत चैलेंजिंग लग रही है तो आप बेबी कोबरा या सपोर्टेड भुजंगासन का अभ्यास कीजिए। और इन आज की सारी प्रैक्टिसेस में अगर कोई ऐसा आसन है जो करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप उसको स्किप कर दीजिए। अब दोनों पाम्स को ऐसे चेस्ट के, ब्रेस्ट के साइड में रखना है और फिर उसके बाद जहाँ पर हाथ है वहाँ पर एल्बो ड्रॉप कर देना है, ऐसा, ठीक है, और हथेली आगे आ गई और तो एल्बो जो है एग्जैक्टली आपके ब्रेस्ट और चेस्ट के साइड में आई और हेड डाउन कर दिया। फिर उसके बाद यू लिफ्ट योर हेड अप, चेस्ट अप एंड एल्बो आउट है तो एल्बो को थोड़ा सा अंदर लेके आइए और पूरी छाती को ऐसे खोलिए, ऐसा, इस तरीके से। और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रहने की कोशिश कीजिए विद नॉर्मल ब्रीदिंग, 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए, ऐसा, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये सारे अभ्यास आपके वर्टिब्राज के बीच में जो टेंशन है उसको सही करेंगे और डिस्क अगर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसकी कंडीशन सही नहीं है, पोजीशन सही नहीं है, बल्जेस हो गए हैं तो उसको भी सही करेंगी। आपका साइटिका का पेन में भी ये अभ्यास बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अब ये अभ्यास करने के बाद, सपोर्टेड कोबरा करने के बाद, अब हम करेंगे एक्सटेंडेड कोबरा पोज। तो ऐसे आराम से लेट गए हैं, दोनों पाम्स को चेस्ट के साइड में रखें, हील्स और टोज एक दूसरे के साथ रखें, पाम को चेस्ट के साइड में रखने के बाद जहाँ पर पाम है वहाँ पर एल्बो लगा दें, ऐसा, और हाथ आगे चला गया, ऐसा, और फिर उसके बाद हेड अप, चेस्ट अप, यहाँ पर हो गया ये सपोर्टेड कोबरा या बेबी कोबरा। बेबी कोबरा के बाद धीरे से अपनी एल्बो को ऐसे धीरे 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 ऐसे लिफ्ट कर दें और चेहरे को घुमा दें छत की तरफ, ऐसा। अगर आपको पैर साथ में जोड़ने में दिक्कत आ रही है तो हल्का सा पैरों को ऐसे अलग कर लें और इस तरीके से छत की तरफ देखें, होल्ड करें और ब्रीद करते रहें। इसको भी कम से कम 30 सेकेंड या 1 मिनट तक होल्ड करके रखें। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। जिन पॉस्चर को ज़्यादा देर तक होल्ड करने के लिए कह रही हूँ उनसे आपकी वर्टिब्राज में बहुत गहरा इफेक्ट आने वाला है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। फिर एल्बो ड्रॉप करें और फिर उसके बाद आराम से ऐसे क्रोकोडाइल पोज में ऐसे लेट जाएं, पैरों को अलग कर दिया है, ब्रीद करें, ब्रीद करें, ब्रीद करें, ब्रीद करें, ब्रीद करें। अब जब ये आसन का अभ्यास हो जाए तो इसमें थोड़ा सा और एक्सटेंशन दे सकते हैं। टिल द टाइम यू आर नॉट कंफर्टेबल टू डू ऑल दीज पॉस्चर्स, शुरू वाले अभ्यास करें, एट द बिगनिंग जो हमने अभ्यास किए थे वो सारे अभ्यास कर लें। अब हम अपने दोनों पाम्स को ऐसे चेस्ट के साइड में रखेंगे, पैरों को वैसे ही अलग करके रखेंगे, अभ्यास कर रहे हैं ऊर्ध्वमुख श्वानासन या अपवर्ड फेसिंग डॉग। इसके अभ्यास के लिए पैर को अलग करके रखा है, जितनी चौड़ी आपकी योगा मैट है, बहुत अलग मत कर दीजिएगा, अंदर की तरफ ही रहे लेकिन अलग रहे। सांस लेंगे, हेड अप, चेस्ट अप और हल्का सा टो को टक कीजिए, पुश योर बॉडी फॉरवर्ड ऐसे और टो को आउट कीजिए, कान कंधे से दूर है और एल्बो सीधी है, ऐसा, ब्रीद करते रहें, ब्रीद करते रहें। अगर आप अपने घुटने को ऐसे उठा सकते हैं तो उठाएं, इससे और ज़्यादा आपको एक एक्सटेंशन मिल जाएगा, ऐसा, और सांस छोड़ते हुए डाउन कर दें। फिर से देखें, सांस लेते हुए ऐसा होल्ड करें, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और फिर रिलीज कर दें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि टो को टक करने के बाद ना कुछ लोग ऐसे टो को अंदर ही रखते हैं, बट टो ऐसा बाहर होना चाहिए, ऐसा,
ऐसा ऐसा चेस्ट बाहर की तरफ पुश करें। तो इन सारे के सारे अभ्यासों में हमारी चेस्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन होगी। अगर आपको बैक पेन का प्रॉब्लम नहीं भी है, फिर भी आपको ये सारे अभ्यास ज़रूर करने चाहिए। अब मैं अगला एक अभ्यास करवा रही हूँ जिसका नाम है सर्पासन। सर्पासन, सर्पासन के अभ्यास के लिए ऐसे आप योगा मैट पर लेट जाएंगे, पैरों को ऐसे जोड़ के रखें, एड़ी और अंगूठे जोड़ के रखें, फिर दोनों हाथों को बॉडी के पीछे ऐसे लेके जाएं और फिर उसके बाद धीरे धीरे रोल योर शोल्डर्स बैक, हेड अप, चेस्ट अप, ऐसा सांस ले, रोकें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज, अगेन इनहेल, होल्ड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलीज कर दें, ऐसा। और इन सारे अभ्यासों को करने के बाद फिर आराम से अपनी योगा मैट पर ऐसे बैठें, घुटनों को अलग करें, ऐसा घुटनों को अलग करें और फिर धीरे 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 इस तरीके से हाथ को आगे की तरफ स्ट्रेच करें, ऐसा। काउंटर स्ट्रेचेस करना ज़रूरी है क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से हाइपर एक्टिव कर लिया अपने स्पाइन को पीछे की तरफ खींच के, एंड देन ड्रॉप योर हेड डाउन टू द मैट। ने जितने भी ये सारे अभ्यास किए हैं, अब इनके इफेक्ट को हमें काउंटर करना है। तो राइट पैर को घुटने से मोड़ा, लेफ्ट पैर को सीधा कर लिया और अपने थाई का दबाव पेट पर महसूस करें, 1 2 3 4 5 फिर उसके बाद यही अभ्यास दूसरी तरफ, सांस पहले कुछ देर ऐसे होल्ड करके रखें, फिर उसके बाद अपने दोनों पैरों को हग करें साइड बाय साइड इस तरीके से स्विंग करें, फिर उसके बाद दोनों पैरों को सीधा कर दें, ऐसा। और सीधा करने के बाद अभ्यास करेंगे सुप्त वक्रासन का, राइट पैर को घुटने से मोड़ा और फिर उसके बाद अर्ध पवन मुक्तासन के बाद अपने राइट घुटने को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर दिया, ऐसा इस तरीके से। दूसरी साइड जब आप ड्रॉप करेंगे, ऐसा इस तरीके से, और चेहरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे घुमा देंगे, ऐसा, ठीक है। और फिर यही अभ्यास आप एक साइड करने के बाद फिर दूसरी तरफ करेंगे, ऐसा ऐसा इस तरीके से, और चेहरे को दूसरी तरफ ऐसे घुमा देंगे, ऐसा। और ये सारे अभ्यासों को करने के बाद आप शवासन में लेट जाएंगे, ऐसे ब्रीद करें। आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताए गए ये सारे अभ्यास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आप आसानी से अपनी योगा मैट पर लेट कर ये अभ्यास कर सकते हैं। डजंट मैटर आपकी एज क्या है, आपका हेल्थ कंडीशन क्या है, हर कोई इसका अभ्यास कर सकता है। कौन इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं? अगर ऑलरेडी आपकी स्पाइन में कोई इंजरी है या सर्जरी हुई है, ना करें। अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं, अल्सर है या हर्निया है, तो भी पेट के बल आप लेटेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। पीरियड्स के दौरान महिलाएं ना करें, प्रेगनेंसी के दौरान ना करें। और अगर आपको हार्ट कंडीशन या हाई ब्लड प्रेशर है, तो इसको ज़्यादा देर तक होल्ड ना करें और नंबर ऑफ़ रिपीटेशन 1-2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 रखें। और किसी प्रशिक्षित योग गुरु की निगरानी में अगर आप अभ्यास करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई चीज़ ना समझ में आई हो या कोई सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़रूर पूछिएगा। मुझे खुशी होगी आप सभी के कमेंट पढ़ के, या कि फिर आज की वीडियो कैसी लगी, आपको लाभदायक लगी या नहीं लगी, ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने जो बताई वो सारी चीज़ें कैसी लगी वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इससे पहले आपको एक काम करना है कि इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, सो दैट उनको भी स्वास्थ्य लाभ मिले। बैक पेन की समस्या तो आजकल हर दूसरे इंसान को है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।